पूरे भारत में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। विदिशा जिले की पठारी में भी इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। रमजान के महीने के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयां भी बांटते हैं। यही वजह है कि इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। पठारी की ईदगाह पर मुफ्ती आमिर साहब ने ईद की विशेष नमाज पढ़कर और अमन और चैन की दुआ मांगी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी ने झंडा चौक पर लोगों को मिठाई खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हरिनेश यादव, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर, तहसीलदार अभिषेक पांडे, थाना प्रभारी विमलेश राय, विनय राकेश सिंघई, अमित सहेली, सचिव गोविंद राजपूत, नईम कुरैशी सहित नगर के गणमान्य नागरिकों ने गले मिलकर मुस्लिम समाज को ईद की शुभकामनाएं दी। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।